गाइज, ये है ब्रांड न्यू स्मार्टफोन ओप्पो A55 और इस फ़ोन को रिसेंटली अमेजोन के साथ लॉन्च करा गया है। ये फ़ोन आपको दो कलर में अवेलेबल होता है। फर्स्ट यहाँ पे मेरे पास रेनबो ब्लू कलर है एंड जो दूसरा कलर है मेरे पास ये आपको स्टारी ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा। आज के इस वीडियो में करने वाले इन दोनों ही फ़ोन की अनबॉक्सिंग मैं दूंगा आपको फर्स्ट इंप्रेशन, और आपको जो भी कलर ज़्यादा बेस्ट लगेगा वो आपको नीचे में कमेंट करके बताना है। एंड चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस को लेकर। तो इस फ़ोन का जो प्राइस है 15,490 रुपये रखा गया है, लेकिन अगर आप इसे अमेजोन से परचेज करते हैं तो आपको HDFC कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब इस फ़ोन का जो प्राइस होगा वो अप्रॉक्स 12,490 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मैं देता हूँ आप सबको इसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये है ओप्पो A55 का बॉक्स, और ये जो फ़ोन है आपको 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर है स्टारी ब्लैक कलर। पहले हम लोग करेंगे इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग एंड यहीं पे इसका जो कुछ की फीचर्स है, जैसे कि इसके अंदर आपको 50MP का कैमरा मिलता है, 6.5 इंच का पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, 5000mAh का बैटरी मिलता है और आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का ऑप्शन। पहले इस फ़ोन को अनबॉक्स और फिर देखते हैं कि ये जो फ़ोन है यहाँ पर डिज़ाइन वाइज कैसा देखने के लिए मिलता है। फाइनली इसका बॉक्स रैपर हम लोगों ने हटा लिया है और ये जो फ़ोन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैक करा गया है। अंदर में आपको वाइट बॉक्स देखने के लिए मिलता है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। फटाफट से हम लोग बॉक्स कंटेंट को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाउच मिलता है और इसके अंदर आपको एक ओप्पो का सबसे पहला छोटा सा टूल देखने के लिए मिल जाता है एंड यहीं पे हम लोग को कुछ यूजर मैनुअल गार्ड देखने को मिलता है और एक सी यहाँ पे पाउच भी देखने को मिल जाता है। ये था बॉक्स कंटेंट, ये रहा ओप्पो A55 एंड इसे अभी हम लोग निकालते हैं। और इसके साथ आने वाले जो और भी बॉक्स कंटेंट है, तो सिंपली एक आपको यहाँ पे USB 2 टाइप सी डेटा केबल देखने को मिल जाता है एंड 18W का ट्रेवल एडाप्टर देखने को मिल जाता है। सो ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। चलिए इसे साइड करते हैं और अब बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो ये जो ओप्पो A55 है यहाँ पे ब्लैक कलर में है। इसके ऊपर लगे हुए इस रैपर को बड़े प्यार से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि ये फ़ोन जो है यहाँ पे किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो आई थिंक कि आपको इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आने वाला है। ये फ़ोन जो है यहाँ पर आपको मेट सर्फेस के साथ देखने के लिए मिल जाता है। मैं करता हूँ इसको ऊपर से इसको रिमूव्ड एंड अब फाइनली ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी मैं इस ब्लैक कलर को साइड हूँ और एक और मेरे पास बॉक्स पैकिंग है, ये आपको देखने के लिए मिलता है ओप्पो A55 रेनबो ब्लू कलर में। अभी हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि ये जो यहाँ पे है किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। फाइनली कुछ ऐसा ही बॉक्स पैकिंग है, लेकिन इसके साथ जो कुछ है इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्किप कर लेंगे और फाइनली बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये फ़ोन मेरे हाथ में है और यहाँ पे ये रेनबो ब्लू कलर में है। चलिए इसके ऊपर लगे हुए इस रैपर को फटाफट से निकाल लें ताकि देख सके कि दोनों ही फ़ोन में जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो फाइनली ये फ़ोन भी यहाँ पे ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं ये फ़ोन यहाँ पे रेनबो ब्लू कलर में है एंड ये फ़ोन जो है ग्लोसी फिनिश के साथ आता है। यहीं पे मैं आपको ब्लैक कलर से इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो दोनों ही फ़ोन में जो मेन डिफरेंस आ रहा है आपको, ये आपको यहाँ पे मेट ब्लैक में देखने को मिलता है एंड मैं कहूँ तो ये काफ़ी प्रीमियम है, प्रोफेशनल है एंड ये जो है आपको मिरर टाइप ग्लोसी फिनिश में देखने को मिलता है। चलिए अब करते हैं इस फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू। तो सबसे पहले अगर मैं कलर वाइज कहूँ तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ब्लैक कलर या ब्लू कलर दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा, नीचे प्लीज़ एक और कमेंट करके बताइएगा। अब करते हैं इस फ़ोन को फटाफट से फिजिकल ओवरव्यू। तो सबसे पहले जो राइट साइड में इसका फिजिकल फिंगरप्रिंट है वो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है एंड इस फ़ोन के बॉटम साइड पर देखेंगे तो यहीं पे हम लोगों को 3.5mm जैक लगाने का ऑप्शन मिलेगा, माइक का ऑप्शन मिलेगा, चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे 18W सपोर्ट करता है। यहीं पे आउटपुट स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है एंड फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे डेडिकेटेड सिम ट्रे मिलता है जिसके अंदर दो सिम और एक मेमोरी कार्ड 256GB तक का इंसर्ट किया जा सकता है। इसके साइड में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम रॉकर्स की देखने को मिलेगा एंड फ़ोन के टॉप साइड पर बिल्कुल क्लीन रखा गया है। एंड
अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो ये जो फ़ोन है यहाँ पे ट्रिपल कैमरा में आपको देखने को मिलता है। सो दो कैमरा को काफ़ी हाईलाइट्स यहाँ पे करा गया है और एक आपको छोटे से फ्लैश के साइड में देखने के लिए मिलता है। तो जो मेन कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा मिल जाता है। OIS कैमरा कहने का मतलब कि इसका जो कैमरा होगा वो थोड़े बहुत हिलते डुलते में भी पिक्चर आप कैच करते हैं तो वो आपको काफ़ी क्लियरली दिखाई देगा। एंड जो दूसरा इसका माइक्रो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल में देखने को मिलता है। एंड जो डेप्थ लेंस है वो भी आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल में देखने को मिलता है। एंड अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो ये ओप्पो A55 मिलता है 6.5 इंच HD+ रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले के साथ। एंड इसके साइड में आपको साइड पंच होल छोटा सा देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वो आपको AI कैमरा देखने के लिए मिलता है। और जो डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको 20:9 का मिलता है। एंड 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, इसका मतलब कि नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये जो फ़ोन है 480 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, लेकिन ओप्पो का मानना है कि अगर आप इस फ़ोन को आउटडोर भी यूज करते हैं तो इसका जो निट्स होगा वो आपको 520 तक का देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि 480 इसका सपोर्टिंग है लेकिन ये काम करता है 520 जैसा। तो ये था फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशंस। एंड जो फाइनली बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है और इस फ़ोन का जो वेट है वो अप्रॉक्स 190 ग्राम मिलता है सिम ट्रे निकालने के बाद। और सिम ट्रे लगाते हैं तो वो लगभग आपको 193 ग्राम हो जाता है। एंड ये फ़ोन काम करता है एंड्रॉयड वर्जन 11 के ऊपर। इसका जो कलर ओएस है वो भी आपको 11.1 देखने के लिए मिलता है। एंड ओप्पो A55 को पावर देता है मीडियाटेक हेलियो G35 प्रोसेसर। तो मेरा आज का मेन मकसद था इन दोनों ही फ़ोन का फर्स्ट लुक देना, डिज़ाइन दिखाना और कुछ स्पेसिफिकेशंस बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ऐसे करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगा नया वीडियो में नया अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।